सर मैं एक मेरा बहुत प्रैक्टिकल सा एक क्वेश्चन है कि हमें किस तरह से ये निर्धारण करना चाहिए कि हमारे लिए खाने की कितनी मात्रा उचित है जो हम ऑप्टिमली डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डिसाइड हो जाता है अपने अनुभव से और लॉन्ग टर्म जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन ये आदमी के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि उसे कितना खाना है। कभी उसे लगता है कि मैंने बहुत कम खाया है, कभी सर उसे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। और जो डाइजेशन है बेसिकली, अगर वो डाइजेशन उसका एरेटिक है तो उसे सब जो उसका जो एक मेंटल वो है डिसबैलेंस, हमेशा इक्विलिब्रियम अगर डाइजेशन उसका गड़बड़ है तो जो उसका मेंटल इक्विलिब्रियम है वो हमेशा डिसबैलेंस रहता है। तो हम किस तरह से ये डिसाइड करें कि हमें राइट अमाउंट हमारे लिए क्या है जिसे हम ऑप्टिमली डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो जिससे हमारे शरीर में रेजिड्यूज ना बचें और टॉक्सिसिटी ना हो, ये सब। ये इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपने इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहा था। दूसरी बात, अगर इस कोटि के सवालों को हम व्यवहारिक कह रहे हैं तो हम किस कोटि के सवाल को अव्यवहारिक कहते हैं? आपका आशय ये तो नहीं है कि जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं, मन को लेके जिज्ञासाएं हैं, परमात्मा को लेके जिज्ञासाएं हैं, वो सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, तो जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने की बातें प्रैक्टिकल हुई, और बाकी जितनी धर्म अधर्म आप उनकी बातें हैं वो सब फिर इम्प्रैक्टिकल हो गए। थोड़ा इस पर गौर करिए कि आपने ये क्यों कहा कि मैं एक प्रैक्टिकल सवाल करना चाहता हूँ। खाने पीने की बातें प्रैक्टिकल हैं, तो फिर खाने पीने के अलावा जो कुछ हुआ वो सब तो इम्प्रैक्टिकल हो गया, यानी कि इससे आपको आपके मन के बारे में पता चलेगा। प्रैक्टिकल माने व्यवहार, तो माने वो जो व्यवहार में लाया जा सके उसे कहते हैं व्यवहारिक। खाने पीने को आपने व्यवहारिक बोल दिया, तो इससे स्पष्ट ही हो गया ना कि पूरे व्यवहार में क्या भरा होगा, फिर खाना ही पीना भरा होगा तो पेट तो खराब होगा ना। मन जब पेट के साथ जुड़ जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। मन की जगह पेट नहीं है, पेट से थोड़ा ऊपर है दिल। ये हटा दीजिए कि ये कंकड़ पत्थर की बातें, लकड़ी तेल की बातें, गली सड़क की बातें, खाने पीने की बातें, रुपए पैसे की बातें, ये व्यवहारिक होती हैं। और ये सब जो बातें कर गए हैं वो अव्यवहारिक होती हैं। अब इन्होंने खाने पीने के बारे में तो विशेष कुछ बोला नहीं कभी। जितने लोगों को आप देख रहे हैं पीछे, इन्होंने खाने पीने के बारे में तो बहुत ज़्यादा बोला नहीं। कुल इन्होंने जितना कहा उसका हद से हद 1% इन्होंने भोजन को विषय बना के कहा होगा। तो आपके कहे अनुसार चलें तो फिर तो इनकी मात्र 1% बात व्यवहारिक है और बाकी सारी बात अव्यवहारिक है। कोई ना गड़बड़, इसीलिए पेट खराब रहता है। किसी जानवर को मोटा देखा है जंगल में, बहुत क्षीण भी देखा है, बताओ देखा है क्या कि एकदम मरा हुआ घूम रहा है जंगल में?
हाँ, आदमी की दुनिया में आपको दोनों तरह के जानवर दिखेंगे, जो घरों में पले हुए कुत्ते इत्यादि होंगे वो आपको कई बार इतने मोटे मिल जाएंगे, उनको हर समय ठुसाया जा रहा है ठुसाया जा रहा है। और इसी तरीके से गौशाला इत्यादि में बंधी हुई गायें होंगी वो आपको इतनी दुबली दुर्बल मिल जाएंगी, उनको खाने को ही नहीं दिया जा रहा। जंगल में आप जाएंगे अगर तो वहां पर सब कुछ आपको एक समानुपात में मिलेगा, न बहुत पतला न बहुत मोटा, सब अपने अपने अनुसार। और मजेदार बात यह है कि उनके खाने पीने की कोई चिंता नहीं कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं ही कर रहा, वो स्वयं भी अपने खाने पीने की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो खाने पीने का विचार ही नहीं कर रहे, इसीलिए मस्त है स्वस्थ है। आदमी अकेला है जो इतने प्रश्न रखता है, कब खाऊं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कारण है उसका, कारण ये है कि शरीर से नाता टूट गया है, शरीर से संकेत आने ही बंद हो गए हैं। जिस माध्यम से शरीर से संकेत आते थे कि चलो खाओ, वो माध्यम जगह जगह से टुकड़े टुकड़े हो गया है, गिर गया है, खंडित। शरीर से संबंध बनाइए, शरीर खुद बताता है कि कितना खाना है कब खाना है, और शरीर जितना सक्रिय रखेंगे शरीर उतना ज्यादा जोर से बता पाएगा अपनी भूख के बारे में। शरीर जितना अक्रिय रहेगा उतना ज्यादा उसकी आवाज दुर्बल पड़ती जाएगी, उसके बाद आपको बस मन की आवाज सुनाई देगी, और मन की जो आवाज है वो इंद्रियों की आवाज है। मन इसलिए नहीं खाता कि पेट भरे, मन इसलिए खाता है कि जबान को स्वाद आए। पेट तो कुछ बता ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि तो पेट में कोई पाचन जैसी गतिविधि ही नहीं हो रही सुचारू रूप से। वहां तो गतिविधि तब हो जब जरा दौड़ना हो, भागना हो, खेलना हो, कूदना हो, वर्जिश व्यायाम कुछ हो, तो फिर पेट भीतर संकेत भेजता है, और वो संकेत इतना प्रबल होता है कि आप उस संकेत को नकार नहीं सकते, आपको खाना पड़ेगा। खाऊं या ना खाऊं ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, आपको मजबूरन खाना पड़ेगा। जो मेहनती आदमी है उसको ये कभी सवाल नहीं पैदा होता कि खाऊं या ना खाऊं, मेहनत करने के बाद उसे खाने पर टूटना पड़ता है। ये सब प्रश्न की खाऊं ना खाऊं ये सब यही बता रहे हैं फिर कि बड़ा निष्क्रिय जीवन है। जीवन को सक्रिय बनाइए, खाना आपको नहीं खाना है, खाना पेट को खाना है, पेट को मांग करने दीजिए, हाथ को उस मांग की आपूर्ति करने दीजिए, आप अपने आप को बीच में से हटाइए। आप रहेंगे बीच में तो फिर तो खाना पेट के लिए नहीं होगा, फिर तो खाना जुबान के लिए होगा। मन पेट के साथ तब लगता है जब मन वहां नहीं लगा होता जहां मन को लगा होना चाहिए। मन को सही जगह लगा दीजिए, मन पेट के साथ लगना छोड़ देगा। मन को इनके साथ लगा दीजिए, सब जो मूर्तियां बैठी हुई हैं इनके साथ मन को लगा दीजिए, मन पेट के साथ लगना छोड़ देगा। मन भी कोई प्रसन्न थोड़ी रहता है पेट के साथ लग के,
कहाँ उसको बैठना था, कहाँ बैठा दिया, अब गुड़गुड़ में फंसा हुआ है। मन को जाना था कमल की ओर, जानते हैं सहस्त्रार कमल, और मन को लगा दिया मल की ओर। तो मन कोई प्रसन्न रहेगा? बड़े होते हैं ऐसे जो ये साधक हैं, कई योगी जिनका पूरा दिन यही विचार करते बीतता है कि आज कौन सी सब्जी और कौन सा आटा और ठीक कितनी मात्रा में और कितने बजे खाया जाए। और दिन भर का उनका जो ऊंचे से ऊंचा चिंतन रहता है वो इसी विषय पर रहता है। वो गिनेंगे कि दिन में फिर कितनी बार मूत्र विसर्जन किया, मल त्याग की क्या अवधि थी। मन इसलिए है ये गणना करने के लिए कितना खाया, कितना निकाला। मन को अध्यात्म में लगाएं और शरीर को व्यायाम में लगाएं। शरीर भोजन खुद मानेगा, फिर मन को माध्यम बनाने की या मन के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं रहेगी। अभी मैं थोड़ा बीमार था, शरीर खुद ही मना कर रहा था खाने से, भीतर की व्यवस्था शिथिल थी, वो जानती थी कि नहीं बचा पाएगी, अपने आप भोजन भीतर जा ही नहीं रहा था। अच्छी बात थी क्योंकि भीतर जाता भी तो पचता नहीं, जबरदस्ती व्यवस्था पर बोझ डालने से क्या फायदा है। तो शरीर हमारा स्वयं जानता है, बस हमने शरीर के साथ ज्यादती कर दी है, शरीर की सुनने की जगह इंद्रियों की सुनने लग जाते हैं। जो चीज शरीर की है वो शरीर के पास रहे, और जो चीज शरीर की नहीं है वहां शरीर को आप घुसने न दें। मन को अध्यात्म दें और शरीर को व्यायाम दें। मन जब असंतुष्ट रह जाता है ना, तो वो अनाप शनाप तरीकों से अपनी तृप्ति करना चाहता है।
वो अनाप शनाप तरीके चलेंगे नहीं। आप अपनी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलाने गए, 10 लीटर पेट्रोल नहीं मिला, तो आप उसमें क्या 30 लीटर मिट्टी का तेल डाल देंगे? ये कह के कि चलो एक चीज नहीं हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति दूसरे से किए दे रहे हैं। वैसे ही जब भगवान नहीं मिलता ना, वो सूक्ष्म चीज होती है, छोटी सी, जब भगवान नहीं मिलता तो इंसान बहुत सारा भोजन करता है और वो बहुत सारा भोजन भी भगवान की परिपूर्ति तो कर नहीं पाएगा। जैसे 30 लीटर केरोसिन डाल देने से आपकी गाड़ी चल थोड़ी पड़ेगी, और अगर चल पड़ी तो और ज्यादा नुकसान है। भला वो कि स्टार्ट ही ना हो, अगर स्टार्ट हो गई और चल गई 2-4 किलोमीटर तो फिर गाड़ी को भूल जाएगी। एक दूसरे उदाहरण से सोचिए, ये आपकी जेबें हैं, ये बनी है कि आप इनमें 10,000-50,000 रुपए रख लें, पर वो 10,000-50,000 तब आ सकते हैं जब आप 2-2 हजार के नोट इस्तेमाल करें। 2,000 का नोट आपको मिला नहीं तो आप 5-5, 10-10 के सिक्कों से जेब भरें और कहें कि मुझे इसमें 50,000 भरने हैं, तो 50,000 तो नहीं भरेगा, जेब भी फटेगी, पैंट भी फटेगी। परमात्मा 2,000 का नोट है, भोजन 10 रुपए का सिक्का है, वो जो 1-2 हजार का नोट नहीं होता जब, तो आप कोशिश करते हो बहुत सारे वैसे सिक्के लाने की, मामला बराबर कर लेंगे। उतने सिक्के पहली बात तो ला नहीं पाओगे, ये तो हो भी सकता है कि 10-10 के सिक्के जोड़ जोड़ के 2,000 कर लो, लेकिन परमात्मा तो 2,000 का भी 2,000 गुना है, कितने सिक्के जोड़ोगे? और अगर उतने सिक्के जोड़ लिए पतलून का क्या होगा? जोड़ तो लोग हैं, चलो भसे भगवान भसे भोजन, भगवान नहीं तो भोजन सही, परमात्मा नहीं तो पैसा सही, यही तो करते हैं। ठीक है, जोड़ लो, यहां इतना सिक्का फुलाए फुलाए घूम रहे हो, थोड़ी देर में पतलून नीचे, के नोट कर समझते हो, बहुत बड़ी कीमत बहुत हल्के में, बहुत बड़ी कीमत बहुत हल्के में। 2,000 का नोट ही मजेदार चीज लग रही है, अब सोचो 2,00,000 का नोट, परमात्मा 2 अरब का नोट, बहुत हल्के में बहुत बड़ी कीमत। और जब वो नहीं होता तो फिर क्या कोशिश करते हैं हम? सिक्के जुटाने की, और उससे फिर पेट फूल जाता है, गैस हो जाती है। जिनको जीवन में कुछ भी पकड़ने की बीमारी दिख रही हो, चाहे भोजन, चाहे
चाहे इंसान, चाहे विचार, आप जिंदगी में चाहे जिस भी चीज़ को पकड़ के बैठ रहे हो, एक बात पक्का समझ लीजिएगा, 2000 का नोट नहीं है आपके पास, असली की कमी है, इसीलिए नकली को और इकट्ठा कर रहे हो। और नकली कितना भी इकट्ठा कर लो, असली की भरपाई नहीं कर पाएगा। असली की भरपाई तो नहीं ही कर पाएगा, तुम्हारे शरीर पर, मन पर बोझ बन के और बैठ जाएगा, दोनों तरफ से मारेगा। जैसे पूरी महफिल बिछाई हो, डिप्रेशन में हो या एंजाइटी, कि जैसे पूरी महफिल बिछाई हो किसी खास के लिए, और वो खास तो नहीं आए, गाय भैंस इधर उधर के आवारा लोग, मवाली शराबी, वो सब आकर के बैठ गए, दोनों तरफ से मारे गए। जो चाहिए था वो तो नहीं ही मिला, और जो नहीं चाहिए थे वो सारे के सारे इकट्ठा होकर बैठ भी गए। भूख लगाती है कि कुछ चलो कुछ खा लो, ऐसे स्थिति में भगवान का ध्यान कम होता लगता है। ऐसी स्थिति में भगवान का ध्यान कम होता नहीं लगता है, ऐसी स्थिति आई इसलिए क्योंकि भगवान का ध्यान कम है। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति के आने के कारण ध्यान कम हो गया, ध्यान कम था उस कारण ये स्थिति आई। और ये हमारी रोज की बड़ी भूल है, जब ऊंची वाली चीज नहीं मिलती तो हम नीची वाली चीज की ओर तुरंत भागते हैं। जब ऊंची चीज नहीं मिलती तो हम नीची चीज की ओर भागते हैं। जिन लोगों का संबंध विच्छेद वगैरह हुआ होता है, हाल फिलहाल में ताजा, उनका अक्सर वजन बढ़ जाता है। रिश्ते की भरपाई वो खाने से करते हैं, उनका खाना बढ़ जाता है। होना ये चाहिए कि आप कहें कि एक स्तर की चीज छूटी है तो उससे ऊंची स्तर की चीज हासिल करूंगा। क्यों ऊंचे स्तर की? क्योंकि इस स्तर का तो जो है वो छूट रहा है, इस स्तर का जो है वो तो धोखा देता है। जिस तल पर धोखा मिलना है उसी तल पर कुछ और अब क्यों हासिल करूं, उससे ऊपर का ना हासिल करूंगा। हम उल्टी बुद्धि लगाते हैं, हम और नीचे चले जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सब उल्टी बुद्धि लगाते हैं। जब जीवन में कोई नुकसान आता है
तो वहां पर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं संभव है और दोनों तरह की होती भी है। साधारण संसारी तो वही है जिसका कुछ छूटा तो उसकी भरपाई वो उसी तल पे करना चाहेगा जहां कुछ छूटा या फिर उससे निम्न तल पे। संत वो होता है जिसका जब छूटा तो कहता है कि यहां अब कोशिश ही नहीं करनी है, यहां दिख गया, एक बार ठोकर खाली बहुत है, बार बार नहीं खानी है। चेहरे बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, घटनाएं बदल जाएंगी, मर्म एक ही रहेगा, एक बार धोखा खाया है दोबारा खाऊंगा, तो दोबारा मुझे धोखे में फंसना ही नहीं है, मैं अब जरा ऊपर जाऊंगा। पर वो 100 में से एक कोई होता है जो कहता है, बाकी लोग तो अधोगति को ही पाते हैं। देखो, तुम्हारे पास एक कार है, तुमने कोशिश करी कि तुम उसको उड़ा के पहाड़ के पार ले जाओगे, जाहिर सी बात है कार भी टूटी, तुम भी टूटे, तुम कितना सुधार कर लोगे कार में कि वो उड़ने लग जाएगी? कार बेहतर करोगे तो तेज चलेगी, उसमें तुम कुछ और खूबियां जोड़ सकते हो, आयामगत परिवर्तन तो नहीं ला सकते ना, टू डायमेंशनल प्लेन से वो थर्ड डायमेंशन में थोड़ी पहुंच जाएगी। ये तो देख लो कि जो चाह रहे हो किस आयाम का है और तुम सुधार किस आयाम में कर रहे हो। ऊपर ऊपर किसी फल को साफ कर देने से, चमका देने से उसका स्वाद बदल जाएगा क्या? रस बदल जाएगा क्या? रस मतलब सार, एसेंस। अपने आप में जिस परिवर्तन की बात कर रहे हो वो परिवर्तन तुम कितना कर पाओगे? वो परिवर्तन करने के लिए तुम ही बैठे हो ना केंद्र में? कभी ऐसा हुआ है क्या कि नहाने के लिए गुसलखाने में तुम घुसे हो और बाहर कोई और निकले? इतना साफ किया तुमने अपने आप को? कंगीश के साथ क्यों सनी ऐसा होता है कि नहाने के लिए एजाज घुसा और
बाहर केशव आया, इतना साफ कर सकते हो अपने आप को कि तुम बाहर ही नहीं निकलो गुसल खाने से, कोई और ही निकला बाहर। अरे साफ करने वाले तो तुम ही हो ना, कितना साफ करोगे? जितना भी साफ करोगे बाहर तो तुम ही आओगे। कितना सुधार कर लोगे? हाँ, कोई ऊपर ऊपर से तुमको देखता हो तो कह सकता है वाह गोरे होके निकले, इतना ही होगा ठीक निकले। और जो हो के निकले हो बाहर, वो शाम तक फिर वैसे ही हो जाओगे जैसे घुसे थे। सुधार करने वाले में कि जो सुधार करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें सुधार करने वाला कभी नहीं बदलता। मूलतः तुम वही रह जाते हो। इसीलिए सुधारा नहीं जाता है, देखा जाता है कि जिस तल पर काम कर रहा हूं उस तल पर मामला ठीक नहीं है। कुछ बहुत भूल हो रही है मूलभूत रूप से। और वो भूल और बुद्धि लगा के हल नहीं होगी। जितनी मैं बुद्धि लगा रहा हूं, जो मैं बुद्धि लगा रहा हूं वो ही भूल है। अब ये बुद्धि कहां से आए तुम्हें कि ये समझ पाओ, ये तो प्रार्थना की बात। कबीर भी वहां पे झटक जाते हैं, तो प्रार्थना कर लो। सती और विचारिणी का अंतर जब बताते हैं तो बस अंतर ही तो बताते हैं, ये थोड़ी कहते हैं कि वो कैसे बन जाए। विवरण दे देते हैं, बता देते हैं कि ये अंतर है। सती से जब भूल होती है तो उसको और प्रबलता से, तीक्ष्णता से, कशिश के साथ एहसास होता है कि मैं स्वामी से, परमात्मा से, पति से दूर हूं, इसलिए गलती हुई। वो वापस लौटती है। वापस लौटने का अर्थ हुआ और ऊंचे तल पर जाना। और जो व्यभिचारिणी मन है उससे जब भूल होती है जब वो दूर होता है केंद्र से, स्वामी से, पति से, तो उसको बहाना मिल जाता है और दूर होने का। वहां जब दूरी बनती है तो वो और दो चार जगह अपने संबंध बना लेता है। कबीर कहते हैं सती जब दूर होती है सत्य से, सत्य कोई पति कहते हैं, कबीर कहते हैं सती जब दूर होती है पति से
तो उसको और ज्यादा याद आती है पति की, और विचारणी जैसे ही दूर होती है पति से तो और दो चार जगह अपने रिश्ते बना देती है। और दो चार जगह रिश्ते बनाने का क्या मतलब हुआ कि और निचले तल पे आ जाती है। तो भूल तुम्हारे लिए दोनों दरवाजे खोल देती है। एक बार भूल करने के बाद ये भी हो सकता है कि तुम कहो अरे ये क्या है, चेतो जागो, और एक बार भूल करने के बाद तुम ये भी कह सकते हो कि अब तो भूल हो ही रही है, अब हो ही जाने दो, अब तो बर्बाद हो ही गए हैं, थोड़ी बर्बादी और सही, मेरे से तो वैसे भी कुछ नहीं होता तो मैं अब आज भी जाके क्या करूंगा। वाह।